उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बीपीएड धारकों की भर्ती किए जाने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे बीपीएड धारकों ने शुक्रवार को अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। बीपीएड धारकों ने नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल से बात करने के बाद अपने आंदोलन को स्थगित किया है। शुक्रवार को सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल बीपीएड धारकों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने बीपीएड धारकों को जूस पिलाकर उनके आंदोलन को समाप्त कराया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि बीपीएड धारकों की मांग को लेकर उन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल, प्रमुख सचिव शिक्षा निदेशक से बात की है। वार्ता सकारात्मक रही है, इनकी मांगों पर कार्रवाई करने का प्रयास जारी रहेगा। वहीं गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीपीएड धारक प्रभुजीत कौर ने कहा, क्या नाम बताया था? क्या बताई थी ना? हाँ, हमारे ये बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं, जब से लगा है। आपने जूस पिला के इनके अनशन तोड़वाया, क्या आश्वासन दिया है उनको? देखिए, मैं आश्वासन तो देता नहीं, मैं सरकार नहीं, सरकारें आश्वासन देती हैं, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और मैंने इन्हें ये आश्वासन दिया है कि इनकी लड़ाई प्रशासन स्तर पे और माननीय मंत्री जी के स्तर पर यथासंभव पहुँचाने का और समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। माननीय मंत्री बेसिक शिक्षा बहनों अनुपमा जायसवाल जी से मेरी बात हुई है, अपर मुख्य सचिव माननीय श्री राज प्रताप सिंह से हमारी बात हुई है और निदेशक बेसिक शिक्षा और सचिव बेसिक शिक्षा संजय सिन्हा जी से मेरी बातचीत हुई। एक विधायक के रूप में ये मेरा दायित्व है कि हमारे क्षेत्र में जो समस्याएं उठती हैं मैं उनको सुनूं और समझूं और जो महसूस करता हूँ शासन तक पहुँचाऊँ। मैंने उसको शासन तक पहुँचाया है, आने वाले समय में भी मैं लगातार इसके लिए प्रयास करूंगा कि इन बच्चों को दोबारा इस धूप में अनशन पर न बैठना पड़े। 32,022 बच्चे हैं जिनका इनकी नियुक्ति अनुदेशक के रूप में होनी है। माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच का इनके प्रति सकारात्मक आदेश भी है, मैं प्रयास करूंगा कि इन्हें सफलता मिले। मैंने इन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया है कि मैं इनको सफलता दिलवाऊंगा, ऐसा कोई। क्या नाम है आपका? प्रभुजीत कौर। कितने दिन से यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं आप लोग? 5 दिन से। अभी विधायक जी आए थे, जूस पिला के आप लोग का अनशन तोड़वाया, क्या आश्वासन मिला है आपको? आप लोग तोड़िए आश्वासन, किस आश्वासन? कहा है कि हम कोशिश करेंगे, अपनी कोशिश जारी रखेंगे और जो भी आते हैं तो उनसे बात की जाएगी इस मैटर में और उम्मीद भी है, हम इसी उम्मीद पर अपना अनशन खत्म करते हैं।